तुझे गेम खेलना है ना शहर, आ जाओ फिर तुझे दिखाता हूं। तुम बस देखती जाओ सर, कैसे अब मैं तुम्हारे कमरे को बैटल ग्राउंड बनाता हूं। सरप्राइज, कैसा लगा? सो हबी जी, एज पर योर कमांड मैंने इस रूम को चकाचक बिल्कुल साफ कर दिया। अमेजिंग राइट? अब तुम यहाँ पे आराम से लेट सकते हो, खेल सकते हो, गा सकते हो, डांस कर सकते हो, शोर चाय कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो मैं भी आपके साथ यहीं रह सकती हूँ। ओ गॉड, अब मुझे वॉशरूम ही साफ करना पड़ेगा। But don't worry, जैसे मैंने ये रूम साफ किया ना, वैसे मैं वॉशरूम को भी बिल्कुल साफ कर दूँगा। Don't worry. क्या हुआ हबी जी? आप गुस्सा आ रहे हो? चलने की बू आ रही है, सड़ गए क्या? बोलो ना हबी जी, अब आप चीखोगे, चिल्लाओगे, ड्रामे करोगे, एग्जैक्टली जैसे पिक्चरों में होता है, राइट? जितने ड्रामे करने करो, जितना चीखना है चीखो, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं। फायदा नुकसान सर, फायदा और नुकसान तो तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तुम जानती नहीं हो मुझे, ज्वालामुखी हूं मैं। ज्वालामुखी नहीं, माचिस की तीली हो तुम। तीली एक फूंक में बुझाने वाली माचिस की तीली। हंसना था तू, बता भूसे का ढेर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक माचिस की तीली काफी होती है उसमें आग लगाने के। कोशिश करके देख। कोशिश करूंगा भी और कामयाब भी होऊंगा। चूचू द मुरब्बा। हर वो चीज जो पिक्चरों में होती है वो करूंगा। अब रोक सको तो रोक लो। बिट्टू वीर जी, आलू आलू दे परांठे। चाय, गरम गरम चाय नानी। हाँ हेलो, गरम गरम चाय ला पुत्रे। जो दे रहे पुत्र। वीर जी प्लीज एटलीस्ट अपना गुस्सा खाने पीने की चीजों पे तो मत निकालो। फैमिली टाइम। लगता है दूसरे के बेड पे सोने से ना कमर अकड़ गई है, है ना साले साहब? वैसे चाय से ना ये नहीं ठीक होगा, कुछ और इंतजाम करूं? ये खस्ता खस्ता मूंगफलियां, आहार रे 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 रे। और रखे थे मेरी मूंगफलियां। नानी जी, शेयरिंग इज केयरिंग। मूंगफली खाने का ना मजा ही कुछ और है। सॉरी यार, छिलके। हेलो, शाम को ना मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं घर डिनर के लिए,
अच्छे से ख्याल रखना, उनका डिनर बनवाना एकदम बढ़िया सा, मतलब मजा आ जाए, और फ्रिज में सोडा रखवा देना, समझ रही हो ना नानी जी? तुसी अभी भी पीते हो या छोड़ दिए? नहीं मतलब बहुत इंपोर्टेंट मंगाऊंगा मैं। आवाज आ रही है? सुनाई दिया सब? और हाँ एक और बात, मेरे दोस्त थोड़े ऐसे से हैं जिनके सामने ना घर की औरतों को नहीं आना चाहिए, तो सब अंदर ही रहना, स्टाफ के हाथ खाना भिजवा देना, ठीक है? ओ हेलो, आवाज आ रही है या बंद हो गए कान? डोंट वरी जी, बहुत अच्छे से आ रही है। गुड, वेरी गुड। सारा इंतजाम ना एकदम बढ़िया होना चाहिए, मतलब सबको खाना खा के मजा आ जाए। After all, Gill Mansion के दामाद हैं हम। तैयारियां बहुत अच्छे से होंगी, जितने अच्छे से आप सोच भी नहीं सकते। किनी मामी जी, तो मामी मैं क्या सोच रही थी, हबी जी ने बोला तो कुछ स्पेशल तो बनाना ही पड़ेगा। सर्दी का मौसम है, साग का सीजन है, तो साग और साथ में पालक के पकौड़े, ठीक है, अच्छा हो जाएगा। खस्ता खस्ता। गब्बर, चुमचू द मुरब्बा। किनी मामी जी, तो मामी चलो किचन में चल के तैयारियां करें। चलो। वो तेरे को सुनाई नहीं देता कोई? नहीं वो दिखाई तो देता है ना पुत्र, और पहले यहाँ आके गुंडागर्दी की, अपने मुश्तंडों को दोस्तों को लेके आ रहा है इधर, वो छत्तर मारने के बजाय उनके लिए खाना बनाया जा रहा है। नानी उसे जो करना है वो करे, मुझे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह चाहती। एक घर दिख रहे हैं? जी पाजी। आज रात के लिए तुम्हारा, नाचना गाना है, पार्टी शार्टी करनी है, चीजें तोड़नी फोड़नी है, जो मन में है करो, लेकिन अगर किसी ने औरतों के साथ बदतमीजी की, मैंने मार मार के पुत बना देना, समझाई? ठीक है पाजी। बहुत बढ़िया, जाओ मौजा मारो। सहर, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे जीत जाओगी? अभी तो तुम मुझे जानती ही नहीं हो सर। मुझसे जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब देखना कैसे तुम मुझे खुद ब खुद इस घर से बाहर निकालती हो। और अगर किसी ने हमारी पार्टी के बीच में आने की दिक्कत की और गलती की तो बैंड बजा देंगे। यस। सत श्रीकाल, सत श्रीकाल। क्यों हो गया? आप लोग इधर ही क्यों रुक गए? प्लीज प्लीज अपने हाथ पैर धोइए, अंदर आइए, मत्था टेकिए, आइए ना भाई साहब। वीजी आइए। हाँ जी। कित्थे? घर में पाठ चल रहा है, ऐसे कैसे जा सकते हो? चलो क्यों है, चलो चलो। तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि रब का नाम लेने से और बेटर पार्टी क्या हो सकती है, करेक्ट? सही सोचा ना मैं हबी जी? उनकी करेंगे पाजी। कोई नहीं, पार्टी हम कभी और कर लेंगे, हट पर है।
बाबा जी आपके नाम में इतनी ताकत है कि भटका हुआ भी सही रास्ते पे आ जाता है, पर मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ शहर की भलाई के लिए कर रहा हूं। प्लीज मुझे माफ कर देना। राजवीर ये ले कड़ा प्रसाद, वंदे सारियां नूं। देखा तुम, बाबा जी भी चाहते हैं कि हम हमेशा साथ रहें। आओ बच्चों मत्था टेको। तेरी किस्मत च जो लिखिया उसमें से कुछ खो नहीं सकता। राज, पापा जी के सामने हमने फेरे लिए थे, तुम तो क्या, अब पापा जी भी हमें अलग नहीं कर सकते। तुम्हें जितनी नफरत दिखानी है तुम दिखा सकते हो राज, लेकिन ये मत भूलो कि अंधेरे को अंधेरा रोशनी काटती है, नफरत को नफरत नहीं प्यार बदलता है। तुम्हारी ये झूठी नफरत मेरे सच्चे प्यार के सामने ज्यादा टिकने नहीं वाली। सो ऑल द बेस्ट कब्बर। बहुत कॉन्फिडेंस है ना तुम्हें अपने ऊपर सर। अब एक बात याद रखना, इतना बड़ा धमाका करूंगा ना मैं कि तुम खुद मुझे इस घर से तो क्या अपनी जिंदगी से निकाल दोगी। और ए, एक चटती सुबह है बाबा जी। देखो ना शहर कितनी खुश है, मैं इसे कभी इतनी खुशी नहीं दे पाऊंगा। पाती नहीं है कि मैं इसे बनाने के लिए और कितना नीचे करूं। मैं तेरी शहर को दुख नहीं पहुंचाना चाहता बाबा जी, कभी नहीं। मुझे बस शहर से बहुत दूर चले जाओ हमेशा हमेशा के लिए। अब मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं कभी करना नहीं चाहता। जैसा मैंने कहा है वैसा हो जाना चाहिए। सब कल तक।
समझ आई? हाँ चल, मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ। क्या बात है मिस्टर गब्बर जी, इतनी रात को किससे फोन पे बातें कर रहे थे? ऐसा ना मैडम जी, अपने काम से काम रखा करिए ना। मेरा मुंह, मेरा फोन, जिससे चाहे मर्जी बात करो, समझाए ना। गो डू योर वर्क। गो डू माय वर्क? मैं अपना काम ही तो कर रही हूँ। ये लीजिए आपके लिए तकिया, ये कंबल। अच्छा जी, तकिया और कंबल आया गया है। ऐसा ना मैडम, शेरों को ये तकिया और कंबलों की जरूरत नहीं होती। गुड लक। क्या अभी अभी ये शेर इस तोते जैसे नाम वाली लड़की को बचाने आया था? खुद को ना इतनी इंपॉर्टेंस मत दो मैडम, बाज गिरी उठा रहा था। सब समझ गई हूँ। क्या समझ गई हैं आप? यही कि तुम बाहर से हो नारियल और अंदर से हो बिल्कुल पनीर। क्या मतलब? मतलब यही कि तुम बाहर से हो एक्सट्रीमली टफ लेकिन अंदर से बिल्कुल ना एकदम सॉफ्ट। तुम कितना भी दिखावा क्यों ना कर लो राज, लेकिन आज भी तुम वही हो। मेरा ख्याल रखने वाले राज, मुझसे प्यार करने वाले राज, मेरे राज। और तुम्हें पता है राज, झूठ का अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच की रोशनी उसे मिटा ही देती है। झूठ का अंधेरा कितना भी अंधेरा हो, सच की रोशनी उसे मिटा ही देती है। बस उड़ गई तुम्हारी रोशनी। ऐसा है ना, तुम ढूंढती रहो अपना सच और मैं तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा कर दूंगा जहर। यही था तुम्हारा धमाका? इसे कहते हैं ट्रेलर। धमाका तो अभी बाकी है।